मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 27 सितंबर को सागर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से पहले प्रदेश में हुई इन्वेस्टर समिट से हासिल उपलब्धियों को साझा किया। सबसे बड़ी उपलब्धि उज्जैन में हुई। पहले इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान निवेश प्रस्तावों की रही, जिससे प्रदेश में आर्थिक विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इस इंटरव्यू का महत्व तब और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 अक्टूबर 2024 तक किसी भी घर को कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि सार्वजनिक स्थल, रास्ते और रेलवे ट्रैक पर इस आदेश में शामिल नहीं है। साल 2023 में मोहन यादव सरकार ने गठन के बाद कई मौकों पर बुलडोजर एक्शन देखा गया, जहां आरोपियों की अवैध संपत्तियों को गिराया गया। इन कार्यवाहियों को खास तौर पर उन अपराधियों के घरों पर कार्यवाही की गई जिन पर गंभीर आरोप लगे थे। यहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करने वाले आरोपी के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि वो बुलडोजर एक्शन को पसंद नहीं करते हैं और इस विषय पर हमेशा खुलकर नहीं बोलते। उनका मानना है कि न्याय प्रणाली और कानून के तहत की गई इस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे किसी भी समुदाय या व्यक्ति के अधिकारियों का हनन हो ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्यवाही के खिलाफ आदेश देते हुए इसे संविधान के मूल्यों के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अवैध ध्वस्तीकरण के मामले में निष्पक्षता बरतनी चाहिए और केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सामने ये मुद्दा भी आया कि कई राज्यों में अपराधियों की संपत्तियों को विशेष रूप से धार्मिक भेदभाव के तहत ध्वस्त किया जा रहा है। इन आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने खस्त रूप अपनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ध्यान उद्योगों के विकास के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के प्रति संवेदनशीलता पर भी रहेगा, ताकि सभी वर्गों के साथ समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। परमात्मा की कृपा है, यहाँ विधाता का भी विधान है, चुनाव का संयोग है। एक हमारा बरसों पुराना सपना और एक तरफ वो सारे लोग जो कहते थे धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी। बाबुओं, आप भी जिंदा हो, आपके ऊपर वाले भी जिंदा होंगे। जहां कहीं आवाज आ रही होगी, कहीं आवाज जमीन में से। ये भारत वर्तमान में दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारे अपने जम्मू कश्मीर में हमने छोटा मन नहीं रखा है। अरे हम तो दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम बंधु को भी गले लगाते हैं और गले लगा करके अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बना के बताते, ये हमारी विरासत। हम अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपने वीरता के झंडे गाड़ता है, वो हमारे अपने दिल का टुकड़ा होता है। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को मानने वाले हम लोग।